लूसीड माइनक्राफ्ट का एक ऐसा नंबर जिससे हमारा ये वर्ल्ड जनरेट होता है। और आज की इस वीडियो में हम माइनक्राफ्ट के सबसे अनोखे सीट ट्राई करने वाले हैं, वो भी एकदम मस्त वाले। आज हम लोग एकदम मस्त मजेदार तो सीट ट्राई करेंगे ही, इवन इस वीडियो के आखिरी में हम ऐसे सीट भी ट्राई करेंगे जिसको देख के आप बिल्कुल चौंक जाओगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सीट ट्राई करने के लिए हम माइनक्राफ्ट के बहुत पुराने वर्जन में आ चुके हैं। यहाँ पे हम नया वर्ल्ड बनाते हैं, इसका नाम रखेंगे हम, इसका नाम तो कुछ भी रखो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पे मैं सीट डाल देता हूँ और इसमें हमें बहुत सारी पिंक शिप मिलने वाली है। ओके, वर्ल्ड में तो हम आ चुके हैं और हमें गड्ढे में स्पॉन करा यार। इस वाले वर्ल्ड में ऐसा सुनने को मिला कि हमें बहुत सारी पिंक शिप मिलेगी। ओके, यहाँ पे हमें शिप दिखी और ये देखो लिटरली यहाँ पे एक पिंक शिप भी है। आपको पता है यार पिंक शिप कितनी ज्यादा रेयर होती है, लेकिन अभी खुश होने वाली कोई बात नहीं है। पिंक शिप तो यार हर किसी को मिल जाती है, लेकिन अगर मैं इस वर्ल्ड को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने निकालता हूँ और देखो जरा यहाँ से भी मेरे को एक दूर पिंक शिप दिख रही है। ये देखो पेड़ के अंदर ही घुस रखी है ये वाली पिंक शिप और एक इवन साइड में भी खड़ी हुई है। तो ये वाला वर्ल्ड पूरा पिंक शिप से भरा पड़ा है यार। और एक काम करते हैं, इन पिंक शिप को गिनने का ट्राई करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ तो कुछ ज्यादा ही पिंक शिप है यार। ये 6th वाली थी और अभी भी यहाँ पे काफी सारी बची हुई है, वो देखो वहाँ पे भी है। तो अगर आपको पिंक शिप पे बहुत ज्यादा प्यार है तो यार इस वाले वर्ल्ड में जरूर आना। नेक्स्ट वाले जो सीट में ट्राई करने वाला हूँ यार, उसमें हमें सीट की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, मैंने कहीं तो सुना अगर हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक स्पेशल सा सीट आ जाएगा। ओके, ये तो बहुत ज्यादा एक नॉर्मल सा वर्ल्ड है। एंड जस्ट अभी अभी मेरे सामने दो लामा ने सुसाइड कर लिया यहाँ पे। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ही नॉर्मल सा वर्ल्ड है। सामने एक पहाड़ है वहाँ पे और इवन यहाँ पे एक स्वाम्प बायोम भी है। लगता है मेरे को किसी ने उल्लू बना दिया है। यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और नॉर्मल सा सीट मिला है। लेकिन अगर आपको भी कुछ इस टाइप का वर्ल्ड दिखता है तो सीड को उठा के यार फोन नंबर में डायल कर देना, मैं उठा लूंगा। और ये वाले सीड में हमें बहुत ही ज्यादा एक अजीब सा वुडलैंड मेंशन दिखने वाला है। और इस सीड को हमने पहले भी अपनी वीडियो में यूज करा है। अरे वाह, ये तो स्पॉन होते ही आपको सामने दिख जाएगा। और ये तो देखो कितना ज्यादा अजीब मेंशन है, ये क्या कर रखा है यार, ऊपर से पूरा काट रखा है ये। और दिखने में भाई कितना वियर्ड सा लग रहा है। और भाई ये क्या, इतना ज्यादा लंबा है, क्यों ये नीचे का नजारा भी नहीं दिख रहा मेरे को, इतना ज्यादा लंबा मेंशन है ये। और ऊपर से भाई इसका पूरा सिर ही कट रखा है। तो यार ये नॉर्मल सा मेंशन ही, देखो यहाँ पे सारे के सारे रूम है और इवन यहाँ पे देखो पिलेजर्स भी घूम रहे हैं, लेकिन इनके सिर पे कोई छत ही नहीं है और धूप इनके सीधे टकले पे पड़ती होगी। ये देखो भाई सारे के सारे यहाँ पे रूम है, इवन देखो यहाँ पे चेस्ट भी पड़ी हुई है। और वाह, इसके अंदर मस्त खजाना भी पड़ा हुआ है। ऐसा मेंशन तो मैंने यार आज तक नहीं देखा, बहुत ही ज्यादा अलग सा ये। शायद ये वाला मेंशन वर्ल्ड लिमिट पे बन रखा है, ये देखो, तभी माइनक्राफ्ट वाले ने सोचा कि इसको ऊपर से पूरा काट ही देते हैं। एंड ये वाला अगर आपको अभी तक का सबसे ज्यादा क्रेजीएस्ट सीड लगा है तो रुक जाओ अभी। और ये सीड हमें लेके जाएगा बहुत ही ज्यादा ऑसम से विलेज में। ये देखो स्पॉन होते ही सामने आपको एक विलेज दिख जाएगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल विलेज नहीं है। ओ भाई साहब, ये कुछ ज्यादा यहाँ पे एकदम मैसिव सा विलेज है। भाई यार कितना ज्यादा बड़ा विलेज है ये, और यहाँ पे कितने सारे विलेजर्स के घर है। और वो देखो एक जंगल में भी यहाँ पे घर बना रखा है। ये विलेज मेरे हिसाब से अभी तक का सबसे ज्यादा बड़ा विलेज है माइनक्राफ्ट का। यहाँ पे लिटरली 25 घर है, यहाँ पे इतने सारे घर है तो सोचो यार यहाँ पे कितने सारे विलेजर्स रहते होंगे। ये देखो यहाँ पे फार्मर भी इतने सारे, एक यहाँ पे फार्मर है, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे भी है। और सारे घरों को आप जाके लूटोगे तो एकदम माला माल हो जाओगे यार। ऐसा विलेजर स्पॉन होता ही मिल जाएगा तो भाई मजा ही आ जाएगा। लेकिन रुको जरा, अगला वाला सीड में दिखाऊंगा वो तो और ज्यादा अजीब विलेज है। और उस अजीब से विलेज का सीड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप देख लो फटाफट से। एंड यस, ये एक डेजर्ट विलेज होने वाला है। और वो देखो सामने एक डेजर्ट पिरामिड भी है, लेकिन आप लोग वहाँ पे ध्यान ना दे कि नीचे देखो। ओ भाई साहब, नीचे का नजारा कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। एंड यस, वो देख रहे हो आप वहाँ पे नीचे, वो एक डेजर्ट विलेज है। अब ये मेरे को नहीं पता वो वहाँ पे कैसे पहुंचा। और भाई साहब, नीचे का नजारा तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। और ये केव कितनी ज्यादा बढ़िया है, वहाँ पे इवन माइनशाफ्ट भी है। और ये देख लो, ये विलेज यहाँ से शुरू होता है, लेकिन पता नहीं इन लोगों को यहाँ पे अकेला क्यों रहना है। एंड ये रहा वो पूरा डेजर्ट विलेज, जिसको स्पॉन तो यहाँ पे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है यहाँ पे नीचे क्यों बन रखा है, वो भी लावा के साइड में। और एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे जाले भी है। ये नॉर्मल विलेज नहीं है कोई, ये तो अबेंडन विलेज है। एंड अगर यहाँ पे कोई विलेजर रहता भी होगा वो भी यहाँ पे लावा में जल के मर चुका होगा। एंड एक मिनट रुको, ये क्या है, यहाँ पे एक स्पॉनर भी लगा रखा है। और यहाँ पे दो दो चेस्ट क्यों है यार। ये वाला विलेज तो सच में यार काफी ज्यादा ही क्रेजी है, इसको वहाँ पे ऊपर स्पॉन होना था लेकिन पता नहीं यहाँ पे पूरा नीचे बन रखा है। और हाँ गाइस, मेरे और मेरे नूपड़े फ्रेंड के बीच में बहुत ज्यादा तगड़ी शर्त लगी है कि इस साल खत्म होने से पहले पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर कौन हिट कर लेगा। तो यार जाके फटाफट से सब्सक्राइब करो, हमें ही जीतना है। और नेक्स्ट ये वाला सीड बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना होने वाला है। मुझे ये सीड डालते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा है। तो
इस वाले वर्ल्ड में आते ही आप एक जंगल में पहुंच जाओगे, लेकिन ये एकदम नॉर्मल जंगल है और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ोगे आपको यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट भी दिख जाएगा वहाँ पे, लेकिन उससे भी आपको यहाँ पे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी आपको बिल्कुल इसी तरफ जाना है उस पहाड़ के बिल्कुल सामने। एंड जैसे ही आप एग्जैक्ट इसी जगह पे पहुंच जाओगे इस पानी के झरने के पास, तो यहाँ से आपको बिल्कुल सामने देखना है। यस, यहाँ पे पहाड़ के अंदर एक बड़ा सा मॉन्स्टर बना हुआ है। आपको क्या लगा कोई भूत होता है? भाई भूत भूत कुछ नहीं होता माइनक्राफ्ट के अंदर। इतने चांटे मारूंगा तेरे मुंह पे साले। यहाँ पे पहाड़ में एक बहुत ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर बन रखा है, जिसकी भाई दो दो आंखें है और बड़ा सा मुंह भी है। इसकी एक आंख में देखो यहाँ पे ड्रिपस्टोन वगैरह लगा रखा है, और दूसरी आंख में वाह भाई यहाँ पे तो पूरी केव ही बन रखी है, और उसका मुंह देखो कितना ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही आप इस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाते हो, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको दिखेगी बड़ी सी ड्रिपस्टोन की केव, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये नॉर्मल सी केव ही दिखेगी। एंड जो भी भाई इसको पहली बार देखेगा उसकी तो बिल्कुल हवा टाइट हो जाएगी। तो अभी तक आपने जो भी सीट देखे वो काफी ज्यादा नॉर्मल से थे, लेकिन ये सीट बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये है हीरो ब्रांड का ओरिजिनल सीट। एंड ये देखो, वर्ल्ड में आते के साथ ही यहाँ पे बारिश हो रही है, मतलब इस वर्ल्ड में कुछ तो जरूर गड़बड़ है। और देखने में ये वाला वर्ल्ड तो यार काफी ज्यादा नॉर्मल सा लग रहा है। इवन ये देखो, पेड़ों की लीव्स भी यहाँ पे सही सलामत है। यहाँ पे देखो काफी सारी अलग अलग सी बायोम भी है। और ये क्या है यार, यहाँ पे पूरी की पूरी शिपरेक पानी के ऊपर आ रखी है। और बाकी सच बताऊं तो ये वर्ल्ड यार थोड़ा अजीब तो लग रहा है। ये पता नहीं यहाँ पे पहाड़ों का क्या ही हो रखा है। हम वहाँ पे स्पॉन हुए थे और हमें कुछ इस तरफ जाना है। हम बिल्कुल सही जगह पे आ रखे हैं, यहाँ पे पानी का लेक है, और वहाँ पे उस ब्लॉक के पास पहली बार हीरो ब्रायन को देखा गया था। इवन हाथ में मैं यहाँ पे प्लैंक्स भी ले लेता हूँ, और एग्जैक्ट वही स्क्रीनशॉट है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो। उस टाइम पे हीरो ब्रायन कुछ इसी जगह पे खड़ा था, लेकिन अभी तो यहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं है और सारी जगह एकदम सलामत सी लग रही है। देखो पेड़ों की लीव्स भी यहाँ पे सलामत है। तो अभी तक हमने काफी ज्यादा मस्त वाले सीट देखे हैं, लेकिन जो नेक्स्ट सीट हम देखने वाले हैं वो थोड़ा हटके होने वाला है। वैसे ये कुछ सीट है ही नहीं, बस आपको यहाँ पे नेदर लिख देना है, और वर्ल्ड टाइम में आपको सिंगल नेदर वेस्ट बायोम रखनी है। एंड यस, जैसे कि मैंने कहा था, ये वाला सीट बहुत ज्यादा ही अजीब होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा नेदर है, वो भी ओवर वर्ल्ड में। जी हाँ, मेरे को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा ये। यहाँ पे आपको नेदर रैक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक भी है नेदर वाले। इवन अपने सिर के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे घास भी उड़ रही है, और लावा का पता नहीं, यहाँ पे पानी जरूर है, वो भी नेदर के अंदर। तो ये है तो एक नेदर बायोम, लेकिन ये पूरी ओवर वर्ल्ड में जनरेट हुई है। और ये देखो जरा, नेदर वाला बेस्टियन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यस, आपको नेदर फोर्ट्रेस भी मिल जाएगा, वो भी ओवर वर्ल्ड में। भाई ये बहुत ही ज्यादा अजीब सा वर्ल्ड है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। एंड इवन अब मैं आपको एंड डायमेंशन अजीब सा सीट दिखाता हूँ। एंड ये देखो, स्पॉन हम एक पेड़ के ऊपर में। इस वाले वर्ल्ड में ऐसा अजीब तो कुछ भी नहीं है। अजीब देखने के लिए हमें एंड डायमेंशन में जाना पड़ेगा। लेट्स गो, इसमें चलते हैं। और सामने का नजारा देख के आप समझ ही चुके होंगे कितना ज्यादा अजीब है। तो ये है माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा अजीब एंड डायमेंशन। वैसे तो इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके नीचे की सारी चीजें यहाँ पे गायब है। हाँ, एक यहाँ पे छोटा सा आइलैंड जरूर बना हुआ है जिसपे काफी सारे एंडरमैन्स है, लेकिन जो यहाँ पे मेन आइलैंड होता है वो यहाँ पे पूरा पूरा गायब है। और यहाँ से एंडर ड्रैगन को मारना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सबसे बेस्ट यही आइडिया रहेगा, आप खुद ही यहाँ से नीचे कूद जाओ, क्योंकि नेक्स्ट वाला सीट ट्राई करने के लिए मेरे को माइनक्राफ्ट का एक अलग ही वर्जन खरीदना पड़ा है। और ये रहा हमारे एकदम खतरनाक सा सीट। तो इस वर्ल्ड में मैं आ तो चुका हूँ, लेकिन आसपास आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। हमें यहाँ से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। A few minutes later. एंड ये देखो, सामने हमारे यहाँ पे वुडलैंड मेंशन है, वो भी पानी के अंदर। और ऊपर देखो भाई, यहाँ पे क्या ही बवाल मच रखा है। लेकिन पहले मैं मेंशन के अंदर चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें सीक्रेट खजाना मिलने वाला है। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, शायद इस तरफ होगा। अरे हाँ, ये देखो यहाँ पे कितना ज्यादा खतरनाक सा खजाना मिल रहा है। और एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे ये विलेजर क्यों खड़ा है? शायद आपने अभी तक देखा नहीं, इस मेंशन के साइड में पूरा पूरा एक विलेज बसा हुआ है, जहाँ पे ऐसे विलेजर्स भी रहते हैं। और इस मेंशन के जरा ऊपर देखते, ये क्या हो रखा है यार, यहाँ पे पानी की नदियाँ बह रखी है। और ऊपर देखे जरा, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे बर्फ जमा हुआ है, और इस पूरे मेंशन के ऊपर यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट है। ये कारीगरी मेरे को नहीं पता यार किसने करी है ऐसी। सबसे पहले यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट है, जो कि यार बहुत ही ज्यादा ही लंबा है। एंड इसके नीचे एक पूरा का पूरा मेंशन है, एंड उसके साइड में एक विलेज भी बसा हुआ है। और इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ से नीचे देखोगे तो पूरा का पूरा यहाँ पे एक ओशन मॉन्यूमेंट भी है, जो कि दिखने में खुद बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। मेरे हिसाब से ये अभी तक का माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा क्रेजियस सीड है। आपका क्या कहना मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। ओके, तो गाइस इस वाली वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और अगर आप भी ये नॉर्मल सा माइनक्राफ्ट देख के बिल्कुल थक चुके हो, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। इसमें मैंने माइनक्राफ्ट को बहुत ज्यादा एकदम हॉरर बना दिया।